सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल पीटर्स ब्लॉग। आपका फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग काम कर रहे हैं मेरे हिमालयन के ऊपर, हिमालयन BS6, और इस पे आज हम लोग लगाने वाले हैं फॉग लाइट्स। तो चूँकि हम राइड करते हैं और रात में भी काफ़ी ज़्यादा राइड करते हैं, तो इसीलिए हमने कुछ कुछ लाइट्स खरीदा। इसके बारे में आपको बताएंगे और इसको लगा के आपको दिखाएंगे, और इसको परचेज करने का सही तरीका क्या है और क्यों हमने इसको लिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिया हुआ है ये फॉग लाइट्स, और ये 60 वाट का है, और ये इस पर ब्रांडिंग है HJG का। अभी पता नहीं कितना ओरिजिनल है कितना क्या है, हमको मालूम नहीं इस बारे में, लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए सबसे जो बेस्ट उपाय है वो आपको आज बताएंगे। ये फॉग लाइट लेने का मेन कारण ये है कि इसका जो लाइट है वो बहुत तगड़ा, और इसको हम लोग कहाँ पर लगाएंगे, गाड़ी में ओरिजिनल फिटिंग में हम लोग लगाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा अटैचमेंट नहीं है। अब इसके लिए कुछ हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग खोलेंगे ये जो रॉयल इनफील्ड का ये वाला बैजिंग है, इसको खोल लेंगे। यहाँ पे पीछे इसको हमने लूज़ किया हुआ है, यहाँ पे नट है, इसको खोल लेंगे, और इसका जो यहाँ का जो माउंटिंग प्लेस है वहाँ पे ये फॉग लाइट को हम लोग ऐसे करके लगाएंगे। ये कुछ ऐसे लग जाएगा। उसके बाद ये रॉयल इनफील्ड यहाँ से हट जाएगा, मेरे को ये कुछ ऐसे ज़रूरत नहीं है तो अभी इसको हटा ले रहा। ऐसे आपको दूसरा माउंट्स मिलते हैं जो यहाँ पर लग जाता है मडगार्ड पर, वो भी सही है, लेकिन ये लाइट्स काफ़ी भारी है। ये भारी होने की वजह से जब ये सस्पेंशन ऊपर नीचे होगा उस टाइम इस पर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए उसको वहाँ पर नहीं लगाएंगे। और इसका जो मेन वायरिंग है वो हमने यहाँ पे करके रखा है पहले से, ये अंदर से आ रहा है इधर बैटरी से, तो बैटरी का वायरिंग भी आपको एक बार दिखा देते चलिए। तो गाड़ी का सीट हमने खोल दिया है, और आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ये कुछ वायर्स हमने यूज़ किया, और ये इसका पॉजिटिव पॉइंट, इसका नेगेटिव पॉइंट बैटरी का। इसमें से हमने दोनों साइड में अलग अलग वायरिंग हमने निकाला हुआ। अगर आपको वायरिंग के बारे में जानना है तो आप कमेंट करिए, हम बता देंगे आपको। और ऐसे इस लाइट के लिए अलग, मतलब इस साइड के लिए अलग और उस साइड के लिए अलग वायरिंग किया हुआ। और ये यहाँ पे स्विच लग जाएगा, ये देखिए तार ऐसे कटा हुआ, तो ये तार जोड़ने से ये ऑन हो जाता, तो अभी इसको स्विच में कन्वर्ट कर लेंगे फिर। और यहाँ पे हमने गाड़ी में इंस्टॉल किया हुआ है फ्लैशएक्स का जो हैजार्ड मॉड्यूल है, ये भी बहुत तगड़ा है। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो फ्लैशएक्स वाला वीडियो और एक हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए फिर आज का काम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले ये जो रॉयल एनफील्ड का बैजिंग है इसको निकाल लेते हैं दोनों साइड का। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो काम करते करते हो चुका है रात, और अभी बज चुके हैं 8। तो काम हम लोग का हो चुका है कम्प्लीट, आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक लाइट इधर हमने लगाया और एक लाइट इधर लगाया। यहाँ पे जो रॉयल एनफील्ड का जो बैच था उसको हटा दिया यहाँ से, और दो लाइट का दो अलग अलग स्विच है। यहाँ पे एक स्विच है और यहाँ पे एक स्विच है। तो चलिए अभी इधर पूरा अंधेरा अंधेरा में जाके इसको टेस्ट करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि इसका थ्रो कैसा है। गाड़ी को हमने पूरा लगा लिया, जो भी खोला था सीट वीट सब लगा लिया। तो चलिए अभी चलते टेस्ट करने। तो अभी वक्त आ गया है इसको टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले गाड़ी का जो मेन लाइट है इसको जलाते हैं। तो गाड़ी का जो मेन लाइट है इसका थ्रो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। अब इसके बाद हम लोग जलाएंगे अपना फॉग लाइट। ये एक जला, ये दूसरा जला, तो कुछ इतना ज़्यादा फर्क है इसमें। ये हो गया अंधेरा, ये हो गया अंधेरा, पूरा अंधेरा हो गया। तो इसको टेस्ट करने का उपाय यही है कि ये लाइट अगर गर्म होता है, अब देखिए ये जो लाइट है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, मतलब अगर आप हाथ से टच करेंगे इसका कांच को तो ये गर्म होगा। अगर ये गर्म होता है तो इसका आउटपुट काफ़ी अच्छा है, अगर ये गर्म नहीं होता
तो आप वाला लाइट मत लें। बहुत सारा एलईडी होता है जो गर्म नहीं होता, उसमें आपको इतना अच्छा थ्रो नहीं मिलेगा। ये एकदम हैलोजन बल्ब जैसे गर्म होता है, मतलब 60 वाट का बल्ब जैसे गर्म होना चाहिए वैसे ही ये गर्म होता। चले थोड़ा रोड टेस्ट भी कर लेंगे। अभी हम लोग अंधेरा रोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे उतना भी अंधेरा नहीं है, लेकिन चले आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। अभी हम लोग जाएंगे इस तरफ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे लाइट का परफॉर्मेंस है। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये स्टॉक लाइट का परफॉर्मेंस है। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें ब्राइटनेस नहीं है। और अभी हम जलाएंगे अपना फॉग लाइट। तो एक जला लेफ्ट साइड का और एक दूसरा जल गया, तो इतना कुछ डिफरेंस है इसमें। अंधेरे में ही आपको अलविदा कहते हैं क्योंकि अंधेरा हो चुका है, कुछ नहीं कर सकते। अभी काम करते करते लेट हो गया। अब फॉग लाइट लगाने का सबसे अच्छा टाइम तो अंधेरा ही है ना। अभी टेस्ट भी कर लिए, अभी फिर उसको चेक करके अच्छे से सेटिंग भी कर लिए, तो सब बढ़िया एकदम। और अगर आपको ये ख़रीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह लिंक रहेगा, आप वहाँ पर जाकर ख़रीद सकते हैं। और इसको चेक करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप उसके सामने हाथ रखिए, लाइट के सामने जला हुआ, और वो गरम लगेगा। अगर वो गरम लगता है तभी जाके वो अच्छा थ्रो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि कुछ कुछ एलईडी होता है जो उतना पावरफुल नहीं होता है, कुछ कुछ है जो एक्चुअल में पावरफुल होता है। तो ये है टेक्निक। तो अगर आपको मेरे पास जो है ये चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, हम आपको पार्सल करके सेंड कर सकते हैं, या तो आप अमेज़न से ले सकते हैं। अमेज़न का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, लेकिन अमेज़न से हम बोलेंगे कि आप वहाँ से ना लें, कोई गारंटी नहीं क्या आपके पास आएगा, मतलब उसका गारंटी मेरे पास नहीं है। मतलब कभी अच्छा आ गया कभी बुरा आ गया, उसका कोई गारंटी नहीं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऐसे हिमालयन के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरा वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय।